कथा को राघव ने सरप्राइज में दिया कैसा गिफ्ट। वेल, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से शो के मेकर्स ने इस सीरियल को और भी स्पाइसी, चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए राघव और कथा को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यान की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही है, क्योंकि वो अभी भी कथा और आरफ को याद कर रहा है और वो इस बात को उम्मीद लगा के बैठा है कि उसकी लाइफ में फिर से कथा और आरव वापस आएंगे। लेकिन वही तेजी है कि वो इस बात से बेहद परेशान है, क्योंकि व्यान की हालत उससे देखी नहीं जा रही और वो कथा को वापस ला नहीं सकती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तेजी अपने बेटे व्यान के लिए क्या करने वाली है, क्योंकि उसे तो पता चल चुका है कि कथा जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और वो अब वापस व्यान की लाइफ में नहीं आ सकती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में कथा राघव के साथ बेहद खुश है, या फिर वो खुश रहने की नाटक कर रही है। तो चलिए देखते हैं सीरियल के आने वाले एपिसोड में और क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से तेजी है वो राघव के पास जाती है और वहां जाने के बाद से उसे पता चलता है कि राघव की सगाई किसी और से नहीं बल्कि कथा से हुई है, जिसके बाद वो बेहद परेशान हो जाती है और उसे इस बात का डर सताने लगता है कि अगर कहीं ये व्यान के सामने कथा की सच्चाई आई तो फिर वो किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि व्यान है वो कथा और आरव के अलावा किसी और को अपनी लाइफ में कभी नहीं सोच रहा और ना लाने की कोशिश कर रहा। लेकिन वही तेजी है कि वो मन ही मन अब इस बात को वो अपने गांठ मान चुकी है कि मैं व्यान की लाइफ में किसी और को लाके रहूंगी। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सच में व्यान की लाइफ में कथा और आरव के बाद तेजी किसी और को ला पाएगी और क्या व्यान उसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इस सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आ चुका है और प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से है कथा है वो व्यान के साथ बेहद खुश है, क्योंकि खास अंदाज में एक सरप्राइज दिया है, क्योंकि इनकी सगाई का 3 महीने पूरा हो चुका है और उस खुशी में राघव ने कथा को सरप्राइज दिया है और बेहद खास गिफ्ट दिया है। लेकिन आप सभी के मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर गिफ्ट में उन्होंने क्या दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि राघव ने गिफ्ट में कथा को कुछ और नहीं लेकिन 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा दिया है, और जिसके बाद कथा बेहद खुश भी है और कहीं ना कहीं वो थोड़ी उदास भी है, क्योंकि अभी भी उसके मन में व्यान के लिए एक खास फीलिंग है और उस फीलिंग को वो अभी भी बरकरार रखी है। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह से कथा राघव को अपनी लाइफ में एक वो खास जगह देगी कि जो जगह व्यान के लाइफ में उसकी है। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपनी फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्में बिट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।